नमस्कार, मैं तायना सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। सही खबर पक्की खबर के साथ 10 प्रमुख खबरें। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकल चुके हैं। हालांकि झारखंड विधानसभा एवं बिहार में होने वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के मद्देनजर तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए पूर्व घोषित कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में सजा मिलने के बाद आरजेडी नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला आज पटना जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं सरेंडर करने से पहले मुन्ना शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और भरोसा दिलाया कि वह हर मुश्किल वक्त में अपने लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों में 12 फ्लाइट को उस तरह की धमकी मिल चुकी है। कनाडा के पीएम जस्टिन डूडो के खिलाफ उनके ही सांसद ने आवाज उठाई है। सार्वजनिक रूप से उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अब जनता उनकी नहीं सुनती है। मोदी कैबिनेट ने दिवाली से पहले रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें गेहूं, सरसों, चना, जौ, मसूर और कुसुम की फसलें शामिल हैं। हेमा मालिनी 16 अक्टूबर को बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले बताया कि उन्हें फिल्म में किस करने से परहेज नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के खिलाड़ियों की फिटनेस में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जी हां, आखिर ऐसा क्यों होता है? बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी नेता कर्नल रनौत की मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म इमरजेंसी रिलीज के लिए तरस रही है। इमरजेंसी की रिलीज बीते साल से बार बार पोस्टपोन हो रही है। इमरजेंसी पर सिख कम्युनिटी ने आपत्ति जताई है। उसके बाद से कर्नल रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी रिलीज नहीं कर पा रही है। इमरजेंसी के चलते सिख कम्युनिटी ने केंद्र फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC को भी धमकी दी थी। कांग्रेस पार्टी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव और केरल के पलक्कड़ और चेलक्करा विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। ये उनका पहला चुनावी मुकाबला होगा। उनके साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल म्यूटिकल पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और पूर्व उलाथुपुर सांसद राम्या हरिदास को चेलक्करा के लिए चुना गया है। भूलभुलैया 3 के मोस्ट अवेटेड टाइटल ट्रैक का इंतजार खत्म हो चुका है। टी सीरीज में भूषण कुमार ने भारत के सिनेमा में सबसे आइकॉनिक म्यूजिकल सहयोग को बनाकर इतिहास रच दिया है। मेकर्स ने आज 16 अक्टूबर को मंच अवेटेड भूलभुलैया 3 का ट्रायल ट्रैक रिलीज कर दिया, जिसमें इंडिया के पॉपुलर स्टार कार्तिक आर्यन है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह ट्रैक चार्ट के साथ दिलों पर भी राज करने वाला है। ये ट्रैक एक विजुअल ट्रीट है, जिसमें कार्तिक आर्यन अपने स्लीक स्मूथ और कैची स्मोकी स्लाइन डांस मूव्स के साथ स्क्रीन पर छा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी 10 प्रमुख खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। धन्यवाद।